जो डेफिनेशंस थी वो हमारी तकरीबन जो है वो कहीं थी। आज डेफिनेशंस को हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो है वो क्राइम और उसकी पनिशमेंट्स की तरफ जाएंगे। तो हमारा जो कंप्लीट हो गई थी डेफिनेशंस वो हो गई थी तकरीबन डिवाइस का हमने पढ़ लिया, डिसऑनेस्ट इंटेंशन आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन ये पढ़ लिया था। जी, ऑफेंस हमने पढ़ लिया था, ये रूल्स सीज पढ़ लिया था, सर्विस प्रोवाइडर सब्सक्राइबर। अच्छा अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है ना, अनऑथराइज्ड एक्सेस से स्टार्ट करना है, राइट। यही यहीं तक पढ़ा था ना भाई, कल मेरे पास यहीं तक निशान लगा हुआ है। यस मैम, यहाँ तक पढ़ा था। अच्छा, अनऑथराइज्ड एक्सेस से स्टार्ट करेंगे। Unauthorized access means to access to an information system or data which is not available for access by general public without an authorization or in violation of the terms and conditions of the authorization. देखें, अगर आपको authorize किया गया है कहीं पर काम करने के लिए तो उसकी कुछ terms and conditions होती है, उसकी limitations होती है कि जनाब आपने ये काम करना है, इस हद तक आपने जाना है, इस हद से आगे आपने नहीं जाना। तो अगर आप अपनी उन तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस की वायलेशन करेंगे तो वो भी इलीगल या अनऑथराइज्ड एक्सेस कहलाएगा। अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब है किसी भी डेटा के अंदर एंटर हो जाना, किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर एक्सेस हासिल करना, जिसे हैकिंग का लफ्ज यूज होता है। आप लोगों ने आमतौर पर सुना होगा हैकिंग। हैकिंग क्या है? वो अनऑथराइज्ड एक्सेस है, यानी जब किसी शख्स को इजाजत ना हो किसी भी सिस्टम के अंदर अगर एंटर होने की, वो एक तो वो उसमें एंट्री हासिल करे, या दूसरे लफ्जों में वो जो है, अगर संतोष बेटा आप ये लाइंस नहीं करें ना, आपका नाम भी लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, डोंट डू दिस। अच्छा, अनऑथराइज एक्सेस हम कहेंगे जो भी एक्सेस हासिल करेगा गैर कानूनी तौर पर, यानी इलीगली अगर कोई शख्स इंटरफेयर करता है, यानी अगर वो जो है किसी भी सिस्टम के अंदर कोड ब्रेक करेगा या फिर अपनी जो लीगल उसकी जो जो उसको परमिशन है उससे हटकर उसने कोई काम करेगा। संतोष मैं आपको रिमूव कर दूंगी बेटा, आपको मैं ब्लॉक कर दूंगी, बहुत गलत बात है ये, फिर आप क्लास नहीं ले पाएंगे। फिर ये सारी स्क्रीन के ऊपर आपने देखें ये क्या कर दिया, मैंने अभी क्लियर किया था फिर आपने दोबारा कर दिया। डिस्टर्बेंस हो जाती है, पूरा सीक्वेंस टूट जाता है क्लास का। डोंट डू दिस अगेन। अच्छा जी, जो जनरल पब्लिक के लिए, जैसे अगर आप मिसाल के तौर पर हम देखें कि जो हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, इट इज ओपन टू पब्लिक है, वो स्टूडेंट्स उसमें आराम से जाते हैं, उसको विजिट करते हैं, फिर उसके बाद क्या है कि वहां पर, वहां से अगर कोई फॉर्म डाउनलोड करना होता है उससे फॉर्म, उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर अगर वहां पर किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो ले लेते हैं, तो वो ओपन टू पब्लिक है। इसी तरीके से जो जो चीजें ओपन टू पब्लिक हैं उसमें अगर ऑथोराइज, उसमें सब सारी पब्लिक को जो ऑथोराइजेशन हासिल है कि वो अगर चाहें तो किसी भी अपने काम के सिलसिले में उसमें एक्सेस हासिल कर सकते हैं। अच्छा, उसके अंदर एक्सेस हासिल करने की परमिशन है, लेकिन उस सिस्टम के अंदर जाकर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का मोनोग्राम चेंज करने की इजाजत आपको नहीं है। उसमें जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि फला जो है वो डिपार्टमेंट है, उसमें इतने लोग हैं वगैरह वगैरह, उसमें आपको छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं। अगर आप उसके सिस्टम में जाकर और उसके अंदर आप जो है वो उनका जो कोड जाहिर सी बात है उनकी अपनी वेबसाइट पर उनका कोड है उसको ब्रेक करके उसके अंदर चेंजिंग करते हैं, तो ये भी अनऑथराइज एक्सेस में और अनऑथराइज इंटरसेप्शन में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमारे पास नेक्स्ट जो है अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन में आएगा कि शेल मींस इन रिलेशन टू इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा एनी इंटरसेप्शन विदाउट ऑथराइजेशन। अच्छा, इंटरसेप्शन क्या है कि अगर आपकी मिसाल के तौर पर जैसे मोहल्ले पड़ोस में किसी का वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है, अब उस वाईफाई के अंदर आपको उस वाईफाई को इजाजत नहीं है यूज करने की, उसके ऊपर कोड लगा है, आप क्या करते हैं कि किसी सॉफ्टवेयर के जरिए वो कोड ब्रेक कर लेते हैं और फिर आप उसमें जाकर के उस
फैसिलिटी को यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं, या आपका टेलीफोन लाइन गुजर रही है कहीं से, उसकी टेलीफोन लाइन के अंदर बीच में अपनी आपने टांग अड़ा दी, उसमें अपनी जो है वो लाइन आपने उसमें कनेक्ट कर दी, तो ये भी एक इंटरसेप्शन है। इंटरसेप्शन का मतलब होता है कि किसी ऑन गोइंग सिस्टम में या किसी ऑन गोइंग नेटवर्क के अंदर इलीगली जो है उसमें अपना एक्सेस हासिल करके और उसकी फैसिलिटी को यूटिलाइज करना। नेक्स्ट आगे हमारे पास अनसॉलिसिटेड इंफॉर्मेशन, मींस इंफॉर्मेशन व्हिच इज सेंड फॉर अ कमर्शियल एंड मार्केटिंग पर्पस अगेंस्ट एक्सप्लिसिट रिजेक्शन ऑफ द रेसिपिएंट एंड डज नॉट इंक्लूड मार्केटिंग ऑथराइज्ड अंडर द लॉ। अब आप देखें कि आपके पास जब आप फेसबुक यूज कर रहे होते हैं या आप जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ट्विटर यूज कर रहे होते हैं, कोई भी सोशल वेबसाइट आप यूज कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपके पास नंबर ऑफ जो है वो एड आना शुरू हो जाते हैं, कुकीज की शक्ल में एड आने लगते हैं। मार्केटिंग उसमें वो आपको शो करते हैं, हम ये चीज बेच रहे हैं, ये चीज बेच रहे हैं। उसके अंदर अगर कोई शख्स, वो रियल मार्केटिंग नहीं है उसकी, यानी हकीकत में ना तो वो ऑथराइज उसको किया गया है कि वो मार्केटिंग करे, और दूसरा ये कि उसका कोई कारोबार है ही नहीं सिरे से, लेकिन वो क्या कर रहा है बंदा कि जैसे मिसाल के तौर आपने कपड़े ऑर्डर किए और उसने क्या किया कि फटे पुराने कपड़े उठा के शॉपर में डाले, ऊपर से पैक करके और आपसे पैसे रिसीव कर लिए, और जब आपने उसको पार्सल को ओपन किया तो उसके अंदर पता लगा उसमें कचरा ही कचरा है, उसमें तो कोई कपड़े है ही नहीं। तो इस तरह की जो अनसॉलिसिटेड जो है इंफॉर्मेशन जो है वो कहलाती है, यानी आप किसको रिसीव कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, और आप गलत इंफॉर्मेशन जो है लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप मार्केटिंग के पर्पस के लिए लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर आप उनसे पैसे जो है वो लूट रहे हैं। सो सच टाइप ऑफ मार्केटिंग विच इज इलीगल अनऑथराइज एंड इट इज इन रियलिटी एक्चुअली देयर इज नो मार्केटिंग बट ओनली द पर्पस इज टू रिसीव समवन। ठीक है, अच्छा आप नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। अच्छा अब यहां से हमारी जो डेफिनेशंस हैं वो होती हैं खत्म, और क्राइम और वो शुरू हो जाता है हमारे पास, उसकी जो पनिशमेंट है। सेक्शन 3 हमारा जो है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा, अब उसकी जो है ये पनिशमेंट बताता है। मैं आज आपको सिर्फ हमारी जो डेफिनेशन से वो कवर हो गई है, और मैं इसके आपको दो सेक्शंस करवा देती हूँ। ठीक है, तो थर्ड हमारे पास जो सेक्शन है वो है अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा, हूएवर विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन गेन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा शैल बी पनिश्ड विद द इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 months और विद फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 50,000 rupees और विद बोथ। अब मैं आपको बता दूं कि अनऑथराइज एक्सेस का मतलब है ओनली गेटिंग एक्सेस, नथिंग डूइंग, यानी उसमें किया कुछ भी नहीं, लेकिन उसमें सिर्फ एक्सेस गैर कानूनी तौर पर अगर हासिल किया किसी भी वेबसाइट के अंदर, अनऑथराइज तरीके से उसका कोड ब्रेक करके सिर्फ उसके अंदर जो एक्सेस हासिल अगर किया और सिर्फ उसके डेटा को छेड़छाड़ नहीं किया, तो उसकी पनिशमेंट जो है वो 3 months है इम्प्रिजनमेंट। अच्छा, अब जैसे जैसे सीवियरिटी जो है क्राइम की बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे पनिशमेंट्स में भी इजाफा होता जाएगा। सिर्फ ओनली एक्सेस हासिल किया तो 3 महीने है और उसके ऊपर जुर्माना 50,000 है, दोनों भी हो सकते हैं या दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा फोर्थ में कहता है कि अनऑथराइज कॉपी और ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। अब क्या हुआ कि वहां तो सिर्फ एक्सेस हासिल कर रहा था, अब यहाँ एक्सेस हासिल करने के बाद क्या कर रहा है बंदा, कॉपी भी कर रहा है और उस डेटा को ट्रांसमिशन भी उसकी कर रहा है। तो हूएवर विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन एंड विदाउट ऑथराइजेशन कॉपीज और अदरवाइज ट्रांसमिट और कास्ट टू बी ट्रांसमिटेड एनी डेटा शैल बी पनिश्ड विद द इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 100,000 rupees और विद बोथ। अब आप देखिए, ऊपर खाली एक्सेस हासिल कर रहा था 3 में और यहाँ क्या कर रहा है, नॉट ओनली ही इज गेटिंग एक्सेस बट ही इज कॉपिंग डेटा ट्रांसमिटिंग द डेटा। ठीक है जी, अच्छा आज मेरे ख्याल में यहां तक रखें या आगे चले जी? स्टूडेंट्स आप लोग सुन रहे हैं बेटा? मैं माफ कीजिए, दो मर्जी हो जी जी बताइए, आप लोगों को यहाँ तक रुकना है या आगे भी और प्रोसीड करें, आगे पढ़ें? बस ठीक है इतना ही मैडम, काफी है बस इधर।
आदित्य पान स्टॉप कयो था ठीक है थोड़ो ही जेको टेक्निकल आए एक मिनट रुक जो मार्किनस मार्क पंजो रिकॉर्ड करे हां हां तो ता के अन्य क्लास एंड थोड़ी ता के पान